हाय देयर, इट्स मी गीत कटरे ऑफ क्लास 11 कर्नायक बैच जेई ऑफ सिद्धिविनायक एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड IIT जेई. टुडे आई एम प्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ यू अंडर अ प्रोग्राम ज्ञानोत्सव विच इज़ हैपनिंग इन अवर इंस्टीट्यूट टू एनकरेज द स्टूडेंट्स टू ओवरकम देयर स्टेज फियर. सो टुडे आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू द टॉपिक क्वांटम नंबर विच इज़ अ सब टॉपिक ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर. सो क्वांटम नंबर वन ऑफ द मेन टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम का. सो व्हाट इज़ क्वांटम नंबर? क्वांटम नंबर आया कैसे? बोर ने मॉडल दिया था कि एक एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, उसके अराउंड ऑर्बिट्स होती है, जिसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन होता है वो रिवॉल्व करता है. बट 11th में ही अभी जो चैप्टर आया हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें डी ब्रोगली का मॉडल था और हेजनबर्ग का मॉडल था, जिसमें उन्होंने प्रूफ किया कि इलेक्ट्रॉन एक वेव है. तो अब इलेक्ट्रॉन एक वेव है तो ये तो कंपलसरी नहीं है कि वो एक ऑर्बिट में ही घूमेगा. एज वो वेव है तो वो कोई भी 3D स्पेस में घूम सकता है, 3D में घूम सकता है. इसलिए हमें एक नया टॉपिक आया क्वांटम नंबर. अब क्वांटम नंबर के लिए एक नया मॉडल बना जिसे बोला गया क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, जिसमें एक नए साइंटिस्ट आए इरविन श्रोडिंगर, उन्होंने एक इक्वेशन दी इलेक्ट्रॉन वेव इक्वेशन. जिस जो इक्वेशन थी वो d(ψ) / d²ψ / d²ψ / d²ψ / d²ψ / 8π² m² / e²ψ/h. इस इक्वेशन में जो हमें x दिया है वो तीन एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस. इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद, आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन, हमें तीन वेरिएबल्स मिले जो कि इंट्रोड्यूस हुए एज थ्री क्वांटम नंबर्स, जो कि थे n, l, m. n है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L है अजीमुथल क्वांटम नंबर और M है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. सो एज इलेक्ट्रॉनिक वेव है तो वो सिर्फ ऑर्बिट में नहीं घूमेगा, वो कोई भी 3D में घूम सकता है. इसलिए श्रोडिंगर ने एक वेव इक्वेशन दी, इलेक्ट्रॉन वेव इक्वेशन, जिससे हमें थ्री वेरिएबल मिले जिनको एज अ थ्री क्वांटम नंबर इंट्रोड्यूस किया गया, जो थे N, L, M. सो लेट्स नाउ स्टडी अबाउट थ्री टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर. एंड जो श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन थी उससे हम एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉन की, हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं कि कहाँ पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कोई भी इलेक्ट्रॉन की. सो नाउ वी हैव थ्री, एग्जैक्टली फोर टाइप्स होते हैं, लेकिन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से सिर्फ हमें थ्री ही मिलते हैं. जो है फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं n से. सेकंड है अजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं l से. और थर्ड है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं m से. एंड द लास्ट स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं s से. नाउ यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, बेसिकली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बताता है नंबर ऑफ शेल के बारे में, नंबर ऑफ शेल. एन की वैल्यू अगर 1 होगी तो कौन सा शेल होगा? के शेल होगा. अगर एन की वैल्यू 2 होगी तो एल होगा, एन की वैल्यू 3 होगी तो एम होगा. ऐसे ऐसे एन की वैल्यू इन्फिनिटी हो सकती है, लेकिन कभी भी एन की वैल्यू
ज़ीरो नहीं हो सकती और नेगेटिव भी नहीं हो सकती। मेनली हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से क्या पता चलता है, इससे हमें साइज ऑफ ऑर्बिटल के बारे में पता चलता है कि ऑर्बिटल का साइज़ क्या होगा। एज नंबर ऑफ शेल्स की वैल्यू बढ़ते जाएगी तो एनर्जी इंक्रीज होते जाएगी, तो के शेल की सबसे कम होगी, एल फिर एम की बढ़ेगी, फिर ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगी। तो ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब अगर हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन शेल, तो इसे हम डिफाइन करते हैं 2n² से। और अगर हमें इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है और हमें n की वैल्यू दी हुई है, तो हम इसे nh बाय 2π से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे n है अपना नंबर ऑफ शेल्स, h है प्लैंक्स कांस्टेंट, 2π तो सभी को पता होगा। नाउ अजीमुथल क्वांटम नंबर, अभी मैंने बोला कि n से हमें साइज ऑफ ऑर्बिटल मिलता है, बट वॉट इज ऑर्बिटल? ऑर्बिटल एक 3D स्पेस होता है जिसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है, या जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कोई भी इलेक्ट्रॉन को, कोई भी इलेक्ट्रॉन के मिलने की। सो इट इज़ अ थ्री डी स्पेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। सो व्हाट इज ऑर्बिटल? ऑर्बिटल वो 3D स्पेस है जहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। अजीमुथल क्वांटम नंबर L, L जो होता है वो हमें शेप बताता है ऑर्बिटल की, टेल्स अबाउट द शेप ऑफ ऑर्बिटल। अगर n m l सबशेल एंड शेप, तो सबसे पहले होता है एक एटम, उसके अंदर शेल्स होते हैं, उसके अंदर सबशेल होता है, उसके अंदर ऑर्बिटल होता है और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। तो n की वैल्यू अगर 1 होगी तो l की वैल्यू 0 होगी, n की वैल्यू 2 होगी तो l की वैल्यू 1, 3, 2, 4, 3। अब हमने सबशेल्स भी आए जो थे s, p, d, f। s सबशेल का शेप होता है स्फेरिकल, p सबशेल का शेप होता है डंबल, डी का होता है डबल डंबल और एफ का होता है कॉम्प्लेक्स। सो ये एक्स वाई एक्सिस पे स्फेरिकल ऐसा आता है, डंबल एक्स वाई एक्सिस पे ऐसा आता है, डबल डंबल एक्स वाई एक्सिस पे ऐसा आता है और कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसा होता है। तो एल की वैल्यू अगर ये होगी 0, 1, 2, 3, तो इससे हमें सबशेल पता चलेगा कि कौन सा सबशेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। एल की जो रेंज होती है वो 0 से एन माइनस 1 तक होती है। अगर हमें एल की वैल्यू पता है तो हम एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालेंगे?
ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, इसके लिए फॉर्मूला है h बाय 2 पाई अंडर रूट ऑफ l l प्लस 1। इस फॉर्मूले से हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सब शेल वो होएगा 4l प्लस 2। सो l बेसिकली टेल्स अबाउट द शेप ऑफ ऑर्बिटल। नाउ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर टेल्स अबाउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑर्बिटल। एम डिपेंड्स ऑन एल, एम की जो रेंज होती है वो पॉजिटिव एल से नेगेटिव एल से पॉजिटिव एल तक होती है। अभी हमने जो चार्ट बनाया था एन एल एम, एन की वैल्यू 1 तो एल की वैल्यू 0, 2 तो 1, 3 तो 2, 4 तो 3। एम की वैल्यू यहाँ पे रेंज दी हुई है तो एम एल की वैल्यू है 0 है तो एम की वैल्यू भी 0 होगी। अब रेंज यहाँ पे एल की -1 से पॉजिटिव 1 से होगी, मतलब 1 0 1, यहाँ पे -2 -1 0 1 2, यहाँ पे -3 -2 -1 0 1 2 3। नाउ एज एम टेल्स अबाउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी ऑर्बिटल, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होगी, सॉरी यहाँ पे सबशेल एस पी डी एफ। यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स होंगी, यहाँ पे 5 ऑर्बिटल्स होंगी एंड यहाँ पे 7 ऑर्बिटल्स होंगे। सो एम टेल्स अबाउट द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ एनी शेल। नाउ स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर से पहले क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ सबशेल एंड ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन एन इक्वल्स टू 2। एन की वैल्यू 2 है तो एल की वैल्यू होगी 0 और 1, और एम की वैल्यू होगी 0 -1 0 1। सो एन की वैल्यू 2 है तो एल की वैल्यू है 2, तो नंबर ऑफ सबशेल कितने होंगे 2। एम की वैल्यू एम कितने 1 2 3 4, तो और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे 4। इससे हम एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं अगर एन की वैल्यू पता है। सो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स
इक्वल्स टू एन स्क्वायर। एन की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर होगा 4 और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं 4। नाउ स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर डायरेक्शन बताता है इलेक्ट्रॉन की, आइदर इट विल मूव इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और आइदर इट विल मूव इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो इसको हम एस की वैल्यू प्लस माइनस 1/2 लेते हैं। अगर हमने बोला कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है कोई भी इलेक्ट्रॉन तो उसकी वैल्यू प्लस 1/2 है, तो ऑब्वियसली जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की एस की वैल्यू होगी वो माइनस 1/2 होगी। लेकिन स्पेसिफिक क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज की प्लस माइनस 1/2 नहीं, अगर क्लॉकवाइज की प्लस 1/2 है तो एंटी क्लॉकवाइज की माइनस 1/2 होगी, और अगर क्लॉकवाइज की माइनस 1/2 है तो एंटी क्लॉकवाइज की प्लस 1/2 होगी। सो नाउ इसके बाद एक प्रिंसिपल आया जिसे बोला गया पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, जिसमें इन्होंने कहा कि अगर कोई एटम में इन एनी एटम द सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स फॉर टू इलेक्ट्रॉन्स कुड नॉट बी सेम, कोई भी दो इलेक्ट्रॉन अगर कोई भी सिंगल एटम में प्रेजेंट है तो उनके क्वांटम नंबर का सेट कभी भी इक्वल्स नहीं हो सकता। सो पॉली ने यही बोला कि इन एनी एटम द सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स कुड नॉट बी इक्वल फॉर टू इलेक्ट्रॉन। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है साइज ऑफ शेल, शेल के बारे में साइज ऑफ ऑर्बिटल, ये बताता है सबशेल के बारे में एंड शेप ऑफ ऑर्बिटल। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल के बारे में, मेनली नंबर ऑफ ऑर्बिटल के बारे में, और स्पिन क्वांटम नंबर डायरेक्शन के बारे में इलेक्ट्रॉन के। होप यू अंडरस्टैंड दिस, थैंक यू।